इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध एक होकर इसराइली बलों पर हावी है। गाजा के हर कोने से हमास के लड़ाके आग बरसा रहे हैं। इसराइल के गाजा ऑपरेशन को विफल करने के लिए प्रतिरोध खतरनाक से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, कई मौकों पर सीधे हमले कर इसराइल को तगड़ी चुनौती पेश कर रहा है। हमास के गाजा में फिर से एक्टिव होने से इसराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बावजूद इसके इसराइल का सैन्य ऑपरेशन गाजा में जारी है। IDF जमीन और हवाई दोनों हमले कर लड़ाकों का सामना कर रहा है। वहीं गाजा की हिफाजत में लड़ रहे हमास लड़ाके छिप कर गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं, जहां वे इसराइली बलों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। शनिवार को प्रतिरोध के लड़ाके इजरायली बलों के खिलाफ भयंकर संघर्ष में दिखाई दिए, जहां लड़ाकों ने तोपखाने और हवाई हमलों की आड़ में उत्तर की ओर नुसीरत शिविर में घुसने की कोशिश की थी। हमास आंदोलन की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड एक इजरायली इंजीनियरिंग यूनिट में पहले से तैयार बारूदी सुरंग में विस्फोट करने में कामयाब रहा। अल कसम लड़ाकों ने फाइटर जेट्स के जरिए अल यासीन 105 शेल के साथ एक इजरायली मरकबा टैंक 4 को भी निशाना बनाया। साथ ही रफा में अल अवदा के पास टैंक के चारों ओर एक पैदल सेना बल के साथ संघर्ष किया। अल जैतून पड़ोस के पूर्व में दक्षिणी पूर्व गाजा शहर में अल कसम ने टेंडम एंटी टैंक शेल और एक ID के साथ 2 इजरायली D9 बुलडोजरों को निशाना बनाया। अल कसम ब्रिगेड और शहीद अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड के लड़ाके मध्य गाजा में नुसीरत रिफ्यूजी कैंप के ऊपर SA-7 मिसाइल के साथ एक अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने में सफल रहे। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली नरसंहार के खिलाफ रॉकेट बैराज के साथ गाजा में कब्जे वाले फिलिस्तीनी शहरों और इजरायली बस्तियों को निशाना बनाया। ब्रिगेड ने रफा शहर के दक्षिण में याबना कैंप के मध्य में अल हुदा मस्जिद के पास एक RPG शेल के साथ एक मरकबा 4 टैंक को भी निशाना बनाया। साथ ही अलकुत्स लड़ाकों ने RPG शेल के साथ एक इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाने का भी दावा किया। इससे रफा शहर के पश्चिम में सऊदी पड़ोस में तैयबा मस्जिद के पास बिल्डिंग में आग लगने से वे खाक हो गई। सऊदी में भी अलकुत्स लड़ाकों ने मशीन गन और TBG एंटी फोर्टिफिकेशन शेल के साथ एक घर में मजबूत इजरायली सेना को निशाना बनाया, जिससे IDF को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लड़ाकों ने विस्फोटक उपकरणों के साथ एक D9 सैन्य बुलडोजर को भी नष्ट किया। रफा के पश्चिम में सऊदी पड़ोस में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के क्लिनिक के पास एक इजरायली सैन्य वाहन को टेंडम शेल से शिकार बनाया। ब्रिगेड ने रॉकेट बैराज के साथ रायम सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के दावे की पुष्टि करते हुए एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें लड़ाकों ने रॉकेट से इजरायली खेमे में जबरदस्त खलबली मचाई। लंबी दूरी के इन रॉकेट से इसराइल को काफी नुकसान का अंदेशा जताया गया है। इसके अलावा अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने मशीन गनों के साथ पूर्वी दीर अल बलाह में इजरायली सेना के साथ हिंसक झड़प की। ब्रिगेड ने कई भारी कैलिबर मोर्टार गोले से पूर्वी अल ब्यूरीज में IDF पर हमला बोला। इसका एक फुटेज भी जारी किया। इसमें प्रतिरोध के लड़ाके गोले दागते दिखाई दिए। दावा है कि इससे इसराइल के गाजा में चलाए जा रहे ऑपरेशंस को बड़ा धक्का लगा है। इजरायली बलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस तरह लड़ाके इसराइल के खिलाफ आधुनिक और खतरनाक गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इजरायली बल उबर नहीं पा रहे हैं। वहीं अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने गाजा के मध्य में IDF का सामना करते हुए कई इजरायली सैन्य वाहनों को तबाह करने का दावा किया। इस बीच दावा है कि इजरायली बंदियों की सुरक्षा कर रहे प्रतिरोध सेनानियों की नुसरत शिविर पर हमला करने वाली इजरायली सेना के साथ झड़प हुई, जिसमें यमम यूनिट के एक IDF जवान की मौत हुई।